जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना तो बंदा उठता नहीं, उठ जाता है। वाह क्या एक्टिंग है। हाँ हाँ उड़ा ले मजाक। क्या हो गया आपको आज सनी देओल के डायलॉग मार रहे हो? क्योंकि गदर 2 आने वाली है। जी हाँ, और ये साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है। सनी देओल अमीषा पटेल की ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई है, हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म। अशरफ अली। गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। पिछले फ्राइडे इसको री रिलीज किया गया और बॉक्स ऑफिस पर इसे फिर से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इससे गदर 2 के मेकर्स को उम्मीद है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा देगी। गदर 2 के टीजर ने लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। टीजर में जिस बात ने अपना ध्यान खींचा वो है क्रश इंडिया मूवमेंट। टीजर देखकर लोगों के मन में सवाल है, असल में ये 1971 में पाकिस्तान में इंडिया के अगेंस्ट चलाया गया था। 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था जिसमें इंडिया जीता था। इस वॉर के बाद बांग्लादेश बना था। इस वॉर से पहले उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। वॉर शुरू होने से पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी वहाँ की आम जनता के बीच युद्ध की भावनाएं भड़का रही थी। वहाँ की जनता भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट कर रही थी। और इसके बाद पाकिस्तान के लाहौर में जुलूस निकाले गए और क्रश इंडिया मूवमेंट चलाया गया। लोगों ने क्रश इंडिया के बैनर्स और प्लेट्स लेकर काफी जुलूस निकाले और तोड़फोड़ भी की गई। क्रश इंडिया मूवमेंट के पर्चे भी बांटे गए, दीवारों और गाड़ियों पर चिपकाए भी गए। ये मूवमेंट पाकिस्तान के लाहौर से बढ़ता हुआ पूरे पाकिस्तान में फैल गया था। गदर 2 के टीजर में इस मूवमेंट को हिस्टोरिकल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अब फिल्म में ये दिखाना इंटरेस्टिंग होगा कि ऐसे एंटी इंडिया माहौल में तारा सिंह यानी कि सनी देओल पाकिस्तान में क्या करेगा। गदर 2 की कहानी में एक इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा जल्दी बता। रुको जरा सबर करो। गदर 2 की स्टोरी में तारा सिंह अपने बेटे को बचाने जाता है। क्या बात है। ओह थैंक यू। लेकिन कहाँ कहाँ जल्दी बता वरना ऑडियंस बोर हो जाएगी। तो सुनो, तारा सिंह वॉर में फंसे अपने बेटे को पाकिस्तान बचाने जाता है। सिंपल। फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी लेकिन कंपटीशन तगड़ा है इस बार। गदर 2 के साथ OMG 2 और एनिमल भी रिलीज होगी। खैर देखते हैं क्या होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय खुदा हाफिज़।